आज मैं सोच रही थी कि कुछ सब्जी बनाऊं, पर देखा तो फ्रिज में चिकन भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं चिकन ही बना लेती हूँ। तो इसके लिए आज मैं चिकन के लिए नई रेसिपी बना रही हूँ, मुगलाई चिकन। तो इसके लिए हमने दही ले लिया है, और दही हमें खट्टा वाला नहीं लेना है, मीठा वाला लेना है। और तो थोड़ा ऐसे मिक्स करके फेंट दूंगी मैं, ताकि वो थोड़ा चिकना हो जाए। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, नाम तो बदले ही इसका ऐसा है, मुगलाई चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल में। पर ये है बहुत आसान, बस मैरिनेट करके रखना है हमें इसको 1 घंटे के लिए, फिर उसके लिए सीधे बनाने रख देंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसके लिए मैंने ये मीठा दही ले लिया है, और ये बोनलेस चिकन है, इसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत हड्डी है, जरा थोड़ी लगी है। ये इसमें डाल दूंगी, ये 1 किलो के करीब है। इसका बर्फ भी थोड़ा, मैंने ये 2-3 घंटे पहले बर्फ निकाल कर रख दिया था, फ्रीजर में से निकाल के रख दिया था, फिर भी ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा भी कर रहा पन है। तो मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। इसमें बस मैं 2 हरी मिर्च डालूंगी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले हमें लगाकर रखना है। आप तो देखिएगा, सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ मैं। ये नमक, हल्दी पाउडर, अच्छा लग रहा है बर्तन छोटा पड़ेगा, धनिया पाउडर, और पिसी मिर्च। इन सब चीजों को हमें, और ये प्याज थी 1 किलो के, 1 किलो चिकन था मेरा, तो 4 से 5 प्याजों को मैंने ब्राउन कर लिया है, उसको डालना है इसमें। तो बड़े बर्तन में कर लूं, लग रहा है मिक्स नहीं हो पाएगा, बड़े बर्तन कर लेती हूँ पहले। तो ये भी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट, ये वाले चिकन का। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इतना महंगा मिलता है, ये घर पर ही बनाए। अच्छा देखिए, मैं आपको हरा धनिया दिखाना भूल गई थी। इसमें है ना, हरी मिर्चों तो मैंने डाली है, पर इसमें हरा धनिया भी काट कर हमें डालना है। सारी चीजें डालकर और मैरिनेट करने को रखना है। ये देखिए, चिकन हमारा मैरिनेट हो गए, 2-3 घंटे हो गए। मैं इसको चढ़ा दूंगी गैस पे भगोना। तो इसमें हम थोड़ा तेल डालकर, जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई की थी ना, मैं वही वही वाला तेल डालूंगी इसमें, जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। इसमें पानी है, थोड़ा पानी सूख जाए, और उसमें मैं तेल डाल दूंगी। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि तो भैया मुगलाई चिकन है तो घी भी अच्छा ही लगेगा उसमें। ये मेरा बहुत छोटा सा चम्मच है, इसलिए मैं 3 चम्मच डाल रही। इसमें कुछ खड़े मसाले डालना, एक तेज पत्ता है, 2-3 लौंगे, 2-3 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी। ये चीजें इसमें मैं डालकर, कुछ नहीं करना है हमें, एकदम स्लो आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पर, ये जो चिकन हमने रखा था ना, इसको डाल दें, एकदम स्लो आंच पर डाल जाए। तो बिल्कुल मंदी आग पे इसको हमने ढककर पकाने को रख देना है। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, इसमें दही वगैरह सब है, चिकन अपना पानी छोड़ेगा ना, तो ये उसमें गल भी जाएगा, फिर हम भून लेंगे। ढककर बिल्कुल मंदी आंच पर हमें रख देना है।
इसमें जो कटोरे में थोड़ा मसाला लगा है बस इसमें हल्का सा हम पानी डालकर उसे लगा डालकर रख देंगे, तो थोड़ा फालतू का वेस्ट ना हो। सिर्फ बिल्कुल हल्का सा ये जो डाला उसमें मसाला चिपका था वो डाल देना है, हमें वेस्ट कुछ भी नहीं करना है। और बस इसको हमें ढाक कर रख देना पकने के लिए, मंदी आंच पर, एकदम मंदी आंच पर, बिल्कुल मंदी आंच पे रखना है हमें। ये देखिए काफी टाइम हो गया है चिकन को चढ़े हुए, अब इसका थोड़ा हाल देख लेते हैं, पानी वगैरह है या फिर सूख गया, पता चले कि हम इसी में बैठे रहे और जल जाए तो फिर तो थोड़ा चलाकर चेक कर लेंगे। हल्की सी अभी पानी की कसर है, आँच मैंने बिल्कुल स्लो करके रखी है, देखिए आप नीचे देख रहा होगा अभी थोड़ी सी और कसर है, थोड़ी देर हमें और रखना है अभी इसको। ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से खुशबू आने लगी है, अब हम इसमें शोरबा लगा देंगे, जितना हमें अपने हिसाब से करना है। तो उसके लिए मैंने पानी गरम कर लिया है, तो पानी इसमें हमें गरम ही डालना है, ठीक है, जितना भी करना है हमें उसके हिसाब से। और इसके बाद 10 मिनट इसे और पकाना है, उसी में हमारा भून भी गया अच्छे तरीके से और गोश्त भी हमारा गल गया है। इसको हम 10 मिनट और पका लेंगे, थोड़ी डालेंगे हम कसूरी मेथी और बिल्कुल एक चुटकी डालेंगे हम पिसा गरम मसाला। गरम मसाला हमें ज्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल एक चुटकी डालना है, फिर वो गरम मसाले का फ्लेवर आएगा, वरना ढाक के 5-10 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए चिकन हमारा बन गया है, अब ये घी को गरम कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मुगलाई टच दूंगी, वैसे तो वो रेसिपी फुल मुगलाई की है पर इसमें थोड़ा हल्का सा मुझे वो देना है मुगलाई टच, तो उसके लिए मैंने घी गरम कर रही हूँ। हमें बादाम डालना है, ये बादाम बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए थे मैंने, हल्के हल्के हमको इनको भूनना है। यही सालन अगर हम रेस्टोरेंट में मंगाते हैं तो इतना महंगा आता है, तो इस तरीके से आप लोग भी अपने घर पे बनाएं, अपनी फैमिली में खिलाएं, अच्छी अच्छी रेसिपी है। और इसको इसमें डाल देना है, हमारी रेसिपी बनके तैयार। ये देखिए हमारा सालन बन गया है, अब हम इसे खाने के लिए निकाल रहे हैं। ये रेसिपी आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, कैसी लगी बताइएगा, मेरी वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।